आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, उपरबल में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे साथ सुपर हंड्रेड किसान कृष्ण, और कृष्ण ने मेरे को एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा था, जिसके अंदर इन्होंने अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी के बारे में बताया था, और उस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। तो हमने सोचा कि आपके सामने वो चीज़ लानी चाहिए, ये ना सोचते हुए कि भाई सिर्फ टॉप 100 वाले बच्चे ही मिलवाने हैं या टॉपर ही मिलवाने हैं। तो मैं जो भी स्ट्रगल वाली जर्नी होती है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कृष्ण, कैसा लग रहा है आपको और क्या आपका वो था रिएक्शन? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब मेरा मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो जी उस टाइम मैं अपने दोस्त के साथ कॉल पे बात कर रहा था। और वो मेरे वही दोस्त हैं जो मैंने आपको बताया था कि मतलब मेरी 5 साल की जर्नी में टोटली हाँ, जिसने मुझे सपोर्ट किया। एक बार स्टार्टिंग से अपनी जर्नी बता दो आप, क्योंकि बहुत कुछ है और ये एक मोनोलॉग देंगे जिसमें बताएंगे। स्टार्टिंग से बताइए, आपने शुरुआत कब से करी? मतलब स्टार्टिंग जैसे मैं अपनी जर्नी अगर शेयर करूं तो मेरी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, और जी मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अपनी जर्नी में देखे हैं। जी और मेरे लिए मतलब इतना आसान नहीं था कि मैं 5 साल तक सर्वाइव करूं, जी क्योंकि ना तो मैं फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रख पाता अगर मेरा फ्रेंड अगर नहीं होता, जी और ना ही मैं मतलब आज जो मेरे को पोस्ट मिली है ना ही मैं पोस्ट वो ले पाता। जी मेरी जर्नी अगर मैं शुरू करता हूँ तो मैंने 11th 12th नॉन मेडिकल से करी है, जी और 12th में मेरे को कहाँ से हैं आप? रीअपीयर आ गई थी। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, हरियाणा हरियाणा, में चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वहीं पे आप स्कूलिंग की हाँ, आपने? वहीं पे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग करी है मैंने। ठीक है और मेरी फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। जी और पापा जी मतलब जब मैं स्कूल टाइम पढ़ता था तो मेरी स्कूलिंग मतलब मेरे पापा जी काफ़ी एल्कोहलिक हैं, और ये बात बोलने मुझे कोई शर्म फील नहीं हो रही है, क्योंकि ये हैं तो हैं मतलब इसमें हाँ, मतलब हाँ एक्सेप्टेंस है। हाँ तो काफ़ी ज़्यादा एल्कोहलिक थे। तो मम्मी ने मतलब हमें मतलब हम 4 बहन भाई हैं, चारों को जैसे तैसे करके मतलब खेतों में मतलब मजदूरी वगैरह करके हम चारों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। ठीक उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और तो ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया तो मतलब मेरे पास मतलब जो एडमिशन के पैसे लगने थे 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये, मतलब उस टाइम एडमिशन की फ़ीस थी 3,500। हाँ 3,500। तो एक्चुअली बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास पैसे हमारे घर वालों के पास वो भी पैसे नहीं थे, क्योंकि पापा ने तो सीधा बोल दिया था कि भाई कॉलेज वॉलेज नहीं जाना, कॉलेज में जाके बच्चे बिगड़ते हैं। जी तो फिर उसके बाद मैंने अपने मामा जी को फ़ोन करा। मेरे जी मामा जी CISF में हैं, उस टाइम पे जी हेड कॉन्स्टेबल थे, अब वो SI बन चुके हैं। तो मामा जी को मैंने फ़ोन किया, तो मामा जी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले कि भाई जी तुम एडमिशन लो और कंटिन्यू करो। तब तक मतलब मुझे SSC वगैरह कुछ नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था कि मुझे आगे बढ़ना है और पढ़ना है बस। तो जी मामा जी ने मेरा एडमिशन करवाया, तो उसके बाद एडमिशन मेरा हो गया। फिर मतलब मेरे आगे दिक्कत ये थी कि जो जो मेरा कॉलेज था वो मेरे घर से 32 किलोमीटर के अराउंड था, जी तो रोज़ का किराया वगैरह ही मतलब मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये था कि भाई रोज़ कॉलेज जाऊँ कैसे, कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, जाएं जाएँ कैसे? कैसे। तो फिर सही उसके बात बाद है जैसे मतलब एक फैसिलिटी थी कि भाई स्कूल का पास बनता था, जी, तो कॉलेज का बसों ओ का। सॉरी हाँ कॉलेज में बसों का पास बनता था, रोडवेज बसें हाँ, होती हैं, रोडवेज तो सर, उसके लिए पैसे चाहिए थे 1700 रुपये कुछ हरियाणा ऐसा शक्ति कर। नाम है ना हाँ ये शायद। हरियाणा गौरव करके है अच्छा, हाँ, तो उसके लिए 1700 रुपये चाहिए था। तो उस टाइम पास के पैसे भी नहीं थे, तो मैंने 1 महीने तक तो बस विदाउट बिना टिकट के मतलब मैं जाता था, क्योंकि मैं एडमिशन स्लिप दिखा देता था, बोल देता था कि भाई मैंने पास के लिए पैसे अप्लाई कर। दे रखे, एक्चुअली मैंने नहीं अप्लाई कर रखा था। तो 1 महीने तक मैंने फ्री में ट्रैवल करा ऐसा आता जाता था। तो फिर उसके बाद मतलब मैं ऐसा रोज़ सोचता कि भाई कल कॉलेज कैसे जाएगा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन रहती थी। हाँ, दिमाग में टेंशन। हाँ देखो, ये नहीं है कि यार पढ़ना है, ये बहुतों की स्टोरी है, बहुत लोगों के साथ तो ये सब हुआ है, और मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि उन लोगों का क्या रहता है, पहले ये रहता है कि कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, पैसे नहीं है। फिर जब एडमिशन हो जाता है तो फिर अब ऐसा लगता है कि सर्वाइव कैसे करें, रोज उनको यही टेंशन, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहे काम आपके हिसाब से, और लग भी रहा है सबको कि अरे नहीं, ये तो लड़का अब कॉलेज जा रहा है, अब तो कर ही लेगा कुछ, भाई वो रोज स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, तो फिर उसके तो बाद उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक करा। तो मैं अपने कॉलेज जैसे मतलब मेरा कॉलेज जहाँ मुझे बस उतारती थी कम से कम भी मतलब मान के चलो कि 4 किलोमीटर था, तो मैं 20 रुपये बचाने के लिए उस टाइम ऑटो को किराया लगता था, 4 किलोमीटर पैदल जाता था मैं।
बस जहाँ मुझे बस स्टैंड से अपने कॉलेज जाने हैं है। तो समटाइम्स बहुत रेयर होता है कि मैं कभी मतलब ऑटो में गया या फिर ऐसा होता था कि वहाँ से बस निकलती थी तो रूट में पड़ता कॉलेज, मतलब उसी रूट पे हमारा कॉलेज पड़ता था, तो मैं उस बस में कभी लटक लिया, कभी पैदल चल दिया इस तरीके से। तो फिर एक दिन मैं पैदल ऐसे ही जा रहा था, तो वहाँ पे मतलब विशाल मेगा मार्ट एक मॉल है, एक रिटेल कंपनी है, तो वहाँ पे उसके बाहर बैनर लगा था कि भाई रिक्वायर्ड बॉयज़ काम के लिए। तो फिर मतलब मैं वहाँ गया मॉल के अंदर, फिर मैंने इंक्वायरी करी वहाँ जाके, पता किया तो उन्होंने बोला ठीक है भाई आपको काम पे रख लेंगे बट आपका एक इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कल आ जाइए इंटरव्यू के लिए। ये फर्स्ट ईयर की बात है? फर्स्ट ईयर की बात है, और मेरे को कॉलेज को एक महीना मुझे जाते हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद मैं उनके पास गया इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट डे, तो उनसे मुझे पूछताछ करी नॉर्मल, पूछा नाम वगैरह कहाँ से हो क्या करते हो जी। तो फिर उन्होंने मुझे बात करके, उन्हें मतलब उनको मेरे को मेरे से बात करके उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे काम पे रख लिया। और उस टाइम पे सैलरी उन्होंने 3,000 रुपये दी, और वाला के लिए ऐसा हुआ कौन कि से ईयर की बात है? ये 2014 की बात है, 3,000 रुपये। हाँ, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक हफ्ते के बाद मतलब कंपनी का नया इनका कुछ रिफॉर्म किया उन्होंने, सैलरी 4,000 रुपये उसी महीने हो गई थी मेरी। मतलब मेरा काम था 6 बजे से लेके 10:30 तक मेरा काम था। मैं पार्ट टाइम हो गया एक तरीके से, पार्ट टाइम ही करता था। हाँ, पार्ट टाइम ही मैंने ज्वाइन करा था, शाम को 6 बजे से रात के 6:30। हाँ, तो उन 4,000 रुपये में से मैं 2,000 रुपये तो अपने लिए रखता था, जिसमें मेरा 1,000 रुपये रूम का रेंट, क्योंकि मैंने वहाँ पे रूम ले लिया था, क्योंकि डेली क्योंकि मेरे लिए ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल था, 32 किलोमीटर मेरा घर से मतलब मेरी कॉलेज की डिस्टेंस थी। तो मैंने वहाँ पे रूम ले लिया शेयरिंग में, मतलब तीन दोस्त थे मेरे के साथ में, तो 1,000 रुपये को किराया दिया मैंने, और 1,000 रुपये में मैंने अपना खर्चा जैसे तैसे करके मैनेज किया। थोड़ा मतलब ये रहा कि मतलब वहाँ मेरी बुआ जी भी रहती हैं DC कॉलोनी, मतलब कॉलेज के पास में ही, तो मैं उनके वहाँ कभी एक बार खाने चले जाएगा था बुआ के घर, तो बुआ ने भी सपोर्ट कराया, नो डाउट कि मतलब थोड़ा बुआ का सपोर्ट भी रहा इस चीज़ में। तो मैं 2,000 घर देता था, क्योंकि पापा जी मतलब नहीं इतने कुछ काम वगैरह करते थे, तो मम्मी वगैरह खर्चे वगैरह के लिए मैं देता था पैसे। शराब तो में हाँ, मतलब अल्कोहलिक थे, मतलब अब जैसे मतलब मैं समझू तो, अगर मान लो अगर आपके किसी के पापा अगर अल्कोहलिक हैं तो ये मतलब आप समझो कि मतलब उनको एक हैबिट बन चुकी है, एक बीमारी बन चुकी है, तो इस बात को थोड़ा समझो, और इस बात की बेफालतू की एंजाइटी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो मतलब अपने कई लोग जैसे पर कंट्रोल मतलब परेशान हो जाते हैं बच्चे। हाँ, मतलब सरकमस्टांस अगर किसी के घर में इस टाइप का कोई या तो बड़ा भाई है या कोई भी है जो दारू पीता है तो वो थोड़े परेशान रहते हैं। हाँ, वो नो डाउट नेचुरल है वो चीजें, बट मतलब ऐसा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इसमें। हाँ, मतलब अपने आप कुछ नहीं कर सकते, मेन फोकस अपना अपने एक्सेप्ट द रियलिटी, ये जरूरी है। मतलब अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मतलब आप लाइफ के जो मतलब आने वाली जो आपकी लाइफ है वो चेंज होनी है, वो वहाँ पे रुकावट बन जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे बेफालतू की अननेसेसरी एंजाइटी क्रिएट होगी। हाँ, ये तो है। तो ऐसा मतलब मेरी ये कॉलेज का था कि मतलब मैं 4,000 रुपये कमाता, 2,000 घर पे देता, 2 में अपना काम चलाता, तो मेरे स्ट्रगल था उस टाइम। फिर मैंने सीजीएल की तक चलाई, ये पूरे 3 साल रहता, 3 साल। अच्छा, तो सैलरी भी नहीं बढ़ी? सैलरी नहीं बढ़ी, पार्ट टाइम में 4,000 से अभी मतलब 2-3 साल पहले सैलरी बढ़ी, जबकि मैंने छोड़ दिया था 2017 में, तो अभी तक मतलब मिनिमम जो पे था उस टाइम 8,000 था, तो पार्ट टाइम का 4,000। वो विशाल मेगा मार्ट में काम करते रहे? हाँ, एज ए सेल्स, ग्रेजुएशन हो गई सेल्समैन, नहीं नहीं पार्ट टाइम में था। हाँ, ग्रेजुएशन मेरी होगी और मैं विशाल मेगा मार्ट में काम पढ़ाई कर पाते थे? हाँ, पढ़ाई मतलब मेरी जॉब होती 6 से 10:30, 4.5 घंटा काम होता था। फिर जब मेरा कॉलेज पास आउट हुआ तो मेरे सारे दोस्त मतलब जो हमारे ग्रुप के थे, कोई दिल्ली आ गया कोचिंग करने के लिए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो मेरा था कि अब मैं क्या करूँ भाई। मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अब मैं क्या करूँ। एक ऑप्शन था मेरे पास कि विशाल मेगा मार्ट में मुझे फुल टाइम करने के लिए कह रहे थे कि आपको 8,500 रुपये देंगे, तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो। फिर मतलब मेरा दोस्त था नकुल, तो उससे मैंने बात की कि भाई मुझे ये पुराना दोस्त था या कैसे? मेरा 2014 से जो कॉलेज टाइम एडमिशन लिया था, फर्स्ट दोस्त मेरा भाई था, कॉलेज का दोस्त मेरा जी, तो उससे मैंने डिस्कस किया कि भाई मतलब मुझे भी तैयारी करनी करो जॉब की, क्योंकि मैंने 3 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करके देखा, तो 4.5 घंटे कभी जो मतलब प्रेशर ज़्यादा आता था सैटरडे संडे को, तो कई भी 12 बज जाते, 1 बज जाता, जबकि सैलरी में 4,000 ही मिलती थी। ऐसा भी होता था बहुत बार, तो मतलब जो थोड़ा मेरे लिए वाइंड अप करते करते टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि सामान फैला हुआ है सारा। हाँ, बहुत ज़्यादा, मैं सामान को दोबारा से उसको रिकवरी करनी सारे सामान की, फिर उसको फिल करना, बहुत सारी काम होता है उसमें। बिल्कुल सही बात। तो दोस्त से मैंने डिस्कस किया, तो दोस्त ने बोला कि भाई देखो बताओ मतलब अगर देखो 8,000 रुपये की नौकरी करेगा तो इसमें तो ज़िंदगी कटेगी नहीं। सही बात है। ज़्यादा से ज़्यादा तेरी 10,000 हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी, मतलब 4-5 साल में जाके। बिल्कुल। तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू भी अपनी SSC की तैयारी कर ले, क्योंकि वो दिल्ली आ गया था तैयारी करने के लिए। तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैंने उसको बताया कि भाई पैसे वह तो नहीं हो पाएंगे, तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई देख पैसे को एडमिशन के पैसे मैं कर देता हूँ तुझे। किस चीज़ के एडमिशन? उसने मुझे हिसार, देख दिल्ली तो फीस ज़्यादा थी उस टाइम पे,
उसने मुझे टोटल 15,000 रुपये दिए, और जिसमें से मतलब मेरा 5,500 में केडी कैंपस में एडमिशन लिया मैंने, हिसार क्योंकि उस टाइम पे केडी कैंपस और ये पैरामाउंट जो इंस्टीट्यूट है दोनों अलग हुए थे। कब की बात है? 2017 की बात है। ठीक है, दोनों अलग हुए थे और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था और बहुत सस्ता कर रखा था इन्होंने कोर्स, तो 5,500 मैंने एडमिशन लिया। ठीक है, और 10,000 रुपये जो बचे मेरे पास उन पैसों का मैंने अपना 3-4 महीने से खर्चा चलाया उन्हीं पैसों में। ओके, हाँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब जैसे नकुल ने पैसे दिए, नकुल ने पैसे दिए, नकुल के अच्छे घर वाले, नकुल की मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं और मतलब वो मतलब मेरा अच्छी काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, मतलब उसने मेरी स्ट्रेंथ भी देखी है कि भाई मतलब मेहनती है, कर लेगा मतलब। तो ऐसा मतलब मैंने अपनी कोचिंग वगैरह करी, तो फिर 2018 का मतलब पेपर था जो वो काफ़ी डिले होता गया, 2017 का जैसे आपको पता है कि भाई 17 में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो 2018 का पेपर काफ़ी लेट हो गया। तो मतलब उस टाइम फिर मतलब मेरा ये था कि सर्वाइव करना, कि हिसार में अब सर्वाइव कैसे करूँ, तो मैं हिसार से 3-4 महीने की कोचिंग करके वापस अपना भिवानी आ गया। ठीक है, हाँ, तो भिवानी जहाँ 3-4 महीने में हो गई कोचिंग, मतलब उसमें ये था कि सर जैसे मतलब जैसे इंग्लिश पढ़ाने वाला सेमिनार क्लासेस होती थी ऑफलाइन में? नहीं, ऑफलाइन क्लासेस थे सर। अच्छा, तो उसमें सर मतलब जैसे मतलब मेरे को बेसिकली जैसे एडवांस मैथ मैंने कर लिया था, अर्थमेटिक का टीचर, हाँ, अर्थमेटिक का मतलब इतना अच्छा नहीं करा था, बस ठीक है, मतलब मुझे ये था कि अब मैं सेल्फ स्टडी से कर लूँगा आगे आने वाले टाइम में। ओके, फिर अर्थमेटिक का टीचर मतलब मुझे पसंद नहीं था, उनका समझ मुझे नहीं आता था। ओके, और मतलब मैंने वहाँ से एक तो एडवांस मैथ सेक्शन किया और थोड़ा सा मतलब मेरे को पूछ मिला रीजनिंग में, बाकी मतलब मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी से करूँगा अपना। 3 महीने मैंने कोचिंग छोड़ दी और वहाँ से मैं आ गया भिवानी, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं थे कि मैं कैसे मतलब कोचिंग कंटिन्यू करूँ और अपना रहूँ, तो 3 महीने वहाँ से आ गया मैं। ओके, फिर मतलब 2018 के मैंने प्रीलिम्स जब दिया, मतलब ये बात है, मतलब 2018 का प्रीलिम्स आई थिंक 2019 में हुआ था। ठीक है, तो 2019 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन 2019 में, हाँ, 2019 में मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन निकल तो गया मेरा प्रीलिम्स, बट उस टाइम तक मतलब आते आते ये हुआ ही होता कि मतलब मैंने जब मैं कोचिंग कर रहा था हिसार में और उसके बाद भिवानी जब आया, तो मैंने भिवानी आके लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा थका दिया पढ़ पढ़ के कि मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी जी, तो दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो गया ना कि मतलब मेरे को मतलब नींद आनी बंद होगी और बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी। बिल्कुल, तो मेंस में मतलब मैं जब मैंने दिया तो मतलब मेरे मैथ्स में मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ आपको 59 मार्क्स आए मेरे आउट ऑफ 200, जबकि मेरी मैथ स्ट्रेंथ थी, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन की ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो गई था मतलब उस टाइम स्टार्ट हो गई उस टाइम पे, क्योंकि वो ये था कि ज़्यादा पढ़ने की वजह से और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से और घर से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि मेरा फ्रेंड ही था जो कुछ कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे करते करते मतलब मैंने मतलब बैक टू बैक प्रीलिम्स मैंने निकाला 2018-19 का मैंने प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस छोड़ दिया, क्योंकि मतलब मैं मेंटली मतलब इतना बीमार पड़ गया था, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी वाली दिक्कत मेरी ठीक नहीं हुई थी। फिर जब 19 का जैसे मेरा मेंस निकला मैंने छोड़ा, स्किप किया, तो मेरे हिसाब से फीलिंग आती है मतलब क्या होता है इसमें एंजाइटी में सर? बेसिकली डिप्रेशन में होता ही है कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता और आपकी नींद की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, नींद नहीं आती, और मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो तो उसी चीज़ को सोचते रहते हो, मतलब आप उससे नहीं निकल पाते हो, आपको किसी से मतलब घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, आप किसी आपको किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, ये भी रहता है एंजाइटी या डिप्रेशन की दिक्कत हो, अकेलापन अच्छा लगता है। तो आपने 19 का प्री दिया बट मेंस मैंने नहीं दिया, क्योंकि मतलब तैयारी नहीं कर पाया मैं, दूसरा मतलब मुझे लग रहा था कि भाई अब लाइफ बचानी जरूरी है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे मतलब मेडिसिन, तो इस बीच आपका फ्रेंड पैसे मांगता था आपसे? नहीं, कभी नहीं मांगे मेरे दोस्त ने पैसे, मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई देख पैसों की मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उससे उसकी जॉब भी नहीं लगी थी, मम्मी पापा थे उसके दोनों वर्किंग है, तो उसने अपनी मम्मी पापा से बात करी कि मेरा फ्रेंड है ऐसे ऐसे, तो उसके मम्मी पापा ने बोला कोई नहीं भाई, अपना भाई समझ के सपोर्ट करो, हाँ सपोर्ट करो उसको, तो उसने मतलब ट्रीटमेंट मेरा करवाया, मतलब 1 साल तक लगातार मेरा ट्रीटमेंट चला। कहाँ पे? गुड़गांव में भारत न्यूरो साइकेटिक सेंटर है। अच्छा, तो काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है वो, तो उसमें मतलब मेरा ट्रीटमेंट हुआ डिप्रेशन का। उन्होंने करवाया? हाँ, उन्होंने करवाया, मतलब इस बीच मान के चलो उस पैसे 1-1.5 लाख रुपये लग गए होंगे उस पैसे पे। ठीक है, हाँ, तो ये मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी थी। फिर ये अब कब की, फिर ठीक कब हुए आप? मतलब फिर मैं 2019 का मैंने मेंस छोड़ दिया, फिर मतलब मैंने 20 का प्रीलिम्स मैंने फिर से निकाल दिया, बट 20 का मेंस फिर मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो डिप्रेशन था मुझे
उसका असर मतलब काफ़ी लंबा रहा, मतलब अभी प्रॉपर ठीक नहीं हो पाए 20 तक। हाँ, क्योंकि मतलब ये होता है ना, जैसे दिमाग की अगर कोई बीमारी अगर होती है ना, तो वो उसको टाइम लगता है ठीक होने में। सही बात। बाकी शरीर के कोई पार्ट हो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो 2020 का मतलब मैंने मेंस दिया, नहीं हो पाया। फिर मैंने फिर उसके बाद मतलब मैंने अपने आप को थोड़ा गैप दिया, अपने आप को रिलैक्स किया, योगा स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, और जिम भी मैंने स्टार्ट करी। ठीक है। फिर मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब मैंने फिर से मतलब वही। तो ये सारा खर्चा आपका दोस्त उठाता? मेरा दोस्त सारा खर्चा टोटली। मतलब अगर मतलब सच बताऊँ ना, तो समटाइम्स मैं भी फील करता था कि यार मतलब दोस्त है या भगवान है मतलब मेरे लिए सच में, क्योंकि ऐसा दोस्त बहुत रेयर होते हैं। और मुझे मिला है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिला फाइनेंशियली। सही बात। तो शायद मतलब दोस्त मतलब मेरा मतलब माँ बाप का काम ही कर रहा था एक टाइप से, मतलब पूरा इवन मतलब खर्चा करना लाखों में हो गया, लाखों में सर। वो दूसरा मतलब मेरा खर्चा तो ठीक है सर, मतलब जब मैं बीमार था तो मैं अपने घर पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैं जब कहता था कि घर में दिक्कत है भाई, मम्मी को पैसे चाहिए खर्चे वगैरह, उसके लिए भी दे देता था सर, मतलब इतना ज़्यादा। तो नकुल मतलब CBIC में टैक्स असिस्टेंट है, यहाँ दिल्ली में पोस्टेड है सर। ओके, ग्रेट नकुल, प्राउड ऑफ यू। ठीक है। और तो उसके बाद फिर मतलब 2021 में मैंने फिर आपका बैच मैंने मैथ्स के लिए लिया। 21 में मैंने सुपर 100 बैच मैंने लिया। 21 किसने बताया? 21 में मेरा एक फ्रेंड है जो अभी फिलहाल उड़ीसा में DA है, वो डिजिटल अकाउंटेंट है, तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था। हम लोग पार्क में घूमने गए थे उस टाइम पे, तो तब ऐसे डिस्कस मेरे स्टूडेंट्स वरना वैसे बताते नहीं है ना। बट सर उसकी लग गई थी? नहीं, उस टाइम उसकी लगी नहीं थी, बट नहीं अब उस टाइम पे नया नया आपने मतलब कोर्स लॉन्च किया था आई थिंक 2021 में उसने मुझे बताया था। 2020 में आपसे पढ़ा था वो। हाँ, 20 में वो मेरा पहले वाले में पढ़ा। हाँ, पहले वाले में। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आबाद सर के हैं, तो मैंने फिर आपका कोर्स खरीदा। फिर मतलब जो मेरी कमियाँ थी कोर्स आपने लिया? हाँ, उसके कहने पे बात मान ली। बात मान ली मतलब, फिर मैंने शॉर्ट्स वीडियो देखी आपकी, फिर मुझे लगा मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है इनका, तो फिर मैंने आपका पेड कोर्स लिया। वो उसमें से मतलब मैंने वो चैप्टर्स किए जो मेरे वीक थे, जैसे मतलब मेरे को अलजेब्रा में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम का अलजेब्रा पढ़ा, तो एकदम से मुझे बूस्ट मिला अलजेब्रा पढ़ के। मतलब ऐसा फील आई कि चलो मतलब एकदम मतलब मज़ा आ गया पढ़ के, और लग रहा था कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए कि भाई मतलब सब कुछ हो पा रहे थे, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो पा रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा आपका, वो भी एकदम बिंदास। उसके बाद मैं नंबर सिस्टम मुझे कोई प्रॉब्लम कभी नहीं मिली मुझे। फिर मैंने मेंसुरेशन करा, ज्योमेट्री करी, जो कि मतलब मतलब मेरे मेजर जो पोर्शन होता है, इन 4-5 चैप्टर ही होते हैं जो कि 50% कवर करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको मैंने सुपर 100 के मतलब 1-2 चैप्टर और लगाए मैंने। फिर मैंने आपके यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो जो होती थी 8-10 मिनट की, उनको कंटिन्यूसली मैंने फॉलो किया। और फिर मतलब 2021 में मतलब मैंने मेंस में मतलब मैथ्स में स्कोर किया था 170 अराउंड, बट उस टाइम मेरा प्रीलिम्स का स्कोर अच्छा नहीं था सर, मतलब तो इस वजह से मेरा 2021 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है। और इंग्लिश में स्कोर मेरा कम ही था, 132 के अराउंड था। तो मेरा समय से 2021 की बात कर रहा हूँ, 21 की बात कर रहा हूँ। फिर 22 का मैंने अपना मतलब फिर से मतलब प्रीलिम्स निकाला। फिर 22 इस बीच फिर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए? हाँ, मेंटली स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मतलब एक तो मतलब ट्रीटमेंट से काफ़ी ठीक हो गया था मैं, और दूसरा मतलब मैं योगा मेडिटेशन सुबह जब 6 बजे उठता था मैं, तो उठते सबसे पहले पार्क जाना, योगा करना, 20 मिनट मेडिटेशन करता था। और क्लासेस को कैसे कवर करते थे? रिकॉर्डेड देखते थे लाइव? समटाइम्स नंबर सिस्टम मैंने पूरा लाइव देखा मैंने, उसके बाद रिकॉर्डेड मैंने स्टार्ट कर दिया। रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन जैसे मतलब आप एक अलग से PDF देते थे, 2 PDF देते थे आप, एक तो क्लास वाली PDF अभी भी देता हूँ। हाँ, एक वो दूसरी वाली PDF, तो मैं दूसरी वाली PDF को जब रिवाइज करता था तो उस PDF वाली उसको मैं निकलवा लेता, प्रिंट आउट निकलवा लेता उसको, हालांकि वो काफ़ी महंगी पड़ती थी प्रिंट आउट निकलवाना, बट उसको निकलवा लेता। फिर 1-2 चैप्टर मैंने निकलवाए, फिर मैंने उसके बाद तो लैपटॉप पे करना स्टार्ट किया। लैपटॉप तो हाँ, उस PDF को निकालता था, फिर मैं सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व करता था। जैसे आप बताते थे कि भाई आपको खुद से करने की ट्राई करनी है, वो मैं वैसा ही मैं करता था उनको। और फिर मतलब मैं ऐसे मतलब मैंने नंबर सिस्टम को करा पूरा, उसके बाद मैंने लैपटॉप पे अपना उन जो PDF आप देते थे अलग से प्रैक्टिस के लिए, उसको करता था, मतलब उन सबको करता था मैं। तो मैथ्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया उसके बाद, मतलब मैं मेंटली भी स्टेबल हो गया था। फिर मतलब मैंने इंग्लिश को सेल्फ स्टडी से करा, GS भी सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी रीजनिंग सेल्फ, सब कुछ सेल्फ स्टडी, सिर्फ मैथ्स मैंने यूट्यूब से करा आपसे। वो मतलब कोर्स के बाद बोल? हाँ, कोर्स के बाद सब कुछ सेल्फ स्टडी, मतलब तब तक मैं समझ गया था, टच में रहने के लिए 4 साल में समझ गया था कि मतलब हाँ मतलब मेरे को क्या नीड है। मैंने फिर 2022 से मतलब पर जैसे अब जैसे मान लो एक बार कोर्स कर लिया, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि दुनिया भर के दिमाग में और भी लोग आते होंगे यूट्यूब पे? तो हाँ आते थे, बट मतलब मैंने 2018-19-20 में मतलब पूरा एक्सपीरियंस कर लिया था कि भाई अब तेरे को एग्जाम की नीड समझ गया था मैं कि भाई ये नीड है। क्योंकि जब पेपर पास होता ना सर, उस टाइम पे मतलब
हर यूट्यूब चैनल वाला कि भाई 30 डेज़ का प्रैक्टिस बैच ले आता है, 20 डेज़ का, और मेरे हिसाब से वो इरिलेवेंट होते हैं, क्योंकि तैयारी जो होती है ना हमारी पूरी मतलब स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए और एक टाइम लगता है तैयारी करने में। बिल्कुल। तो मैं इसी चीज़ समझ गया था, तो क्योंकि 4 साल मैंने लगातार प्रीलिम्स निकाला, तो इसके बाद मैंने खुद से सारा कुछ करा। ठीक है, तो फिर 22 में क्या कमी रहेगी? 22 में कमी ये रहेगी कि उस टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है। और मैंने मुझे लगा कि मैं मतलब 4 बार मैंने प्रीलिम्स निकाल दिया और 2019 में मेरा मेंस निकल गया था मेरा, उसमें 19 में मेरा जो डीवी के लिए शायद शॉर्टलिस्ट हुआ था मैं, नहीं डीवी के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए मेरा डिस्क्रिप्टिव चेक हो गया था, मेरा 54 मार्क्स था। 22 में डिस्क्रिप्टिव कहाँ से? 21 नहीं, 21 में सर, 21 की बात कर रहा हूँ। 21 की बात। तो मुझे लगा था कि इस बार मैं उसको हैंडल कर लूँगा, मतलब क्योंकि मैथ्स का और रीजनिंग के लिए उन्होंने 1 घंटा टाइम रख दिया था मेंस के लिए, तो मैंने मॉक नहीं दिया था। सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी, उससे पहले मैंने मॉक दिए थे बट 2022 में मैंने मॉक नहीं दिए, और इसकी वजह से मतलब मेरे मैथ्स और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि सीधा 40 नंबर मेरे कम हो गए। और वैसे मतलब मेरे में तो आसान ही आया था, आसान आया था, बट मुझे PAS से मिल जाती बट उससे मेरी टाइपिंग रहेगी और मतलब ऑडिटर वगैरह के लिए मतलब मार्क्स कम रहेंगे। फिर मतलब 23 के लिए मतलब मेरे को सर्वाइव करना और अपने आप को हिम्मत देना बहुत मुश्किल था। कैसे मोटिवेटेड रहे इतने टाइम, इतने लॉन्ग? मोटिवेटेड तो सर मतलब मेरे लिए मोटिवेशन का काम सिर्फ एक ही चीज़ ने करा बस, कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं था मोटिवेट करने के लिए, मेरी फैमिली कंडीशन थी बस, मेरे फैमिली कंडीशन और मेरी दोस्त की मतलब मेरे से उम्मीदें, और वो मतलब सब कुछ मुझे मोटिवेट करता था कि भाई मुझसे ज़्यादा मेहनत तो मतलब इसकी है, मतलब मैं तो सिर्फ कुर्सी पे और टेबल पे बैठ के मेहनत करता हूँ, बाकी उसके पीछे मतलब जो बैकअप था सारा मेरे फ्रेंड का था सर। सही बात है, उसने टोटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ, क्योंकि 2022 में उसने मतलब जब उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी। कब लग गए थे जॉब उनकी? उनकी जॉब लगी 2018 बैच से, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग आई थी 2022 में, 2022 जन मेरे हिसाब से जून की बात है ये। तो उसने मुझे अपने पास बुला लिया कि भाई तू मेरे पास आ जा, यहाँ अपनी तैयारी भी कर लियो और मतलब, दिल्ली में हाँ, और मेंटली भी मतलब मुझे उस हम जो बातें करेंगे और खेल कूदेंगे तो तुम्हें दिक्कत स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, तो मैंने यहाँ की तैयारी करी फिर आप यहाँ अपने दोस्त के साथ सेल्फ स्टडी करी, मैंने दिल्ली आ गया मैं, रोहिणी। ठीक है। फिर मैंने 23 में मतलब जो मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, मेंस नहीं निकला मेरा 23 में, 23 में 22 में सॉरी मतलब ईयर तो 23 का था, 2022 सीजन 2022। तो मतलब मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर से मतलब डिप्रेशन वाली स्टेज में जाने लग गया, क्योंकि ये बीमारी डिप्रेशन कैसी है सर, एक बार बीमार की पकड़ लेती ना तो फिर दोबारा से आने में मतलब बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं। फिर मतलब एक महीने मैंने किताबें सब छोड़ दी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि 5 साल मुझे हो गए थे, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर से मतलब मेरे दोस्त ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा कि भाई एक बार अटेम्प्ट और है, अभी प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर भी नहीं है। अभी एज कितनी है आपकी? अभी मैं 27 का हो गया सर। तो उसने मतलब 2023 में मुझे सीजन 2023 के लिए मोटिवेट करा, और 3 महीने ही थी मतलब प्रीलिम्स को, तो उसने मुझे कहा कि भाई प्रीलिम्स इस बार निकाल, अपनी तैयारी मेंस की अच्छे से कर। फिर मैंने अपने 23 के लिए अपने आप को फिर मोटिवेट करके तैयारी स्टार्ट करी, सारा मतलब मन से निकाल दिया कि तुझे सिलेक्शन ये पोस्ट चाहिए वो चाहिए, सारा डर निकाल दिया और आराम से रिलैक्स रह के मैंने तैयारी करी, और मेंटल फिटनेस के लिए मैंने जिम वगैरह स्टार्ट करी, और सुबह मैं उसके साथ बैडमिंटन वगैरह खेलता था, तो मुझे इस टाइप का कोई प्रेशर नहीं रहता था, तो मैंने तैयारी अपनी रिलैक्स हो गई एकदम से करी। फिर मतलब अब आगे का क्या प्लान है? जैसे अब CGA अकाउंटेंट आप लग गए जी, आगे भी पढ़ोगे या SSC के लिए करोगे, या इसमें कुछ करना है, क्या करना है? देखो सर, SSC के लिए तो अभी मुझे आगे तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि मतलब मुझे जो पोस्ट मिली है काफ़ी मतलब अच्छे प्रमोशन है, इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट से काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। 4600 ग्रेड पे मतलब नेक्स्ट मेरा प्रमोशन 4600 ग्रेड पे हो जाएगा, और दिल्ली मतलब मेरे को 100% दिल्ली मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलॉट हुई है। ठीक है। तो मुझे CGL तो अभी नहीं करना। ठीक है। अगर सोचूंगा तो मतलब स्टेट पीसेज मिनिस्ट्री अलॉट हो गई तो फिर बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो स्टेट पीसेज वगैरह के लिए सोचूंगा सर ये सब। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और वैसे वरना इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो? हाँ, इसमें बिल्कुल, इसमें एक सेस का एग्ज़ाम होता है, तो वो क्लियर करके हम WO बन सकते हैं डायरेक्ट सर 3 साल के बाद, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। तो ये इतनी बड़ी जो आपकी जर्नी रही है जी जी, कुछ और आपके माइंड में हो जो बताना हो आपको? हाँ देखो सर, मेरे को स्ट्रेटजी हिसाब से स्ट्रेटजी बताने का है क्या? कोई मतलब देखो, स्ट्रेटजी आपको बहुत सारे लोग स्टूडेंट को बहुत सारे लोग बता देंगे, बट मुझे जो चीज़ें बतानी है वो ये है कि देखो, जब तैयारी हम कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे देखो पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन जो मेंटल फिटनेस और अपनी फिजिकल फिटनेस है ना, उसको काफ़ी अवॉइड करते हैं सर। बिल्कुल।
जो कि मुझे अब लगता है इतना एक्सपीरियंस करने के बाद कि भाई हमारी मेंटल फिटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मेंटली फिट होते हैं ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है और हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो मेरा मतलब सजेशन ये रहेगा, मतलब जो भी तैयारी अब SSC की कर रहा है या आगे करेगा वो, तो सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली फिट रखने की कोशिश करो, मेंटली और फिजिकली साथ में। हाँ, जो बंदा फिजिकली फिट रहता है वो मेंटली भी, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो खेलने मिलने का तो कर तो फिजिकली रहे हो लेकिन स्ट्रेस निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है एग्जैक्टली। हाँ, उससे पसीने नहीं निकलते, स्ट्रेस निकल जाता है। और कुछ? हाँ, तो सबसे पहले तो अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको यूट्यूब से मतलब मैं बताऊँ आपको, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन है मतलब पढ़ने में यूट्यूब पे। जैसे मतलब कभी कोई यूट्यूब पे आके कह दे रहा है मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा, बट एक्चुअल में वो फ्री मतलब उसकी स्ट्रेटेजी उसके पीछे कोई और ही है, आप उसको समझ नहीं पाओगे। बट जैसे टाइम बिताओगे 2-3 महीने उसके बाद पता लगेगा कि भाई ये सिर्फ आप इस चीज में फंसे हुए हो ना पहले। वो मतलब सर 2018-19 का मतलब फेज मतलब मेरा थोड़ा सा अपने डिप्रेशन की वजह से थोड़ा निकला है, लेकिन 20 का मेरा अटैम्प्ट मतलब थोड़ा इस वजह से निकल गया कि मतलब मैं थोड़ा गलत यूट्यूबर के चक्कर में फंस गया सर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी यूट्यूबर का, बट ये कि मतलब आपको यूट्यूब पे मतलब कभी भी जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, उस टाइम पे आपको स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। आपको ऐसा नहीं कि मतलब पेपर पास हर आपने 1 महीने का मतलब प्रैक्टिस बैच लगा लिया, उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ तो बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस चीज़ से। वो क्या करते हैं, आज किसी ने लॉन्च कर दिया वो देख लिया, फिर किसी और ने लॉन्च कर दिया वो देख लिया। नहीं सर, ये इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि टोटली मतलब सिलेबस जो है ना उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना सिलेबस पे ध्यान देना, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। बिल्कुल। और इरिलेवेंट इधर उधर से अलग अलग सोर्स से पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर कोई लोग ऐसा करेगा तो अपना टाइम वेस्ट ही करेगा। तो अपना एक टीचर्स को पकड़ो, कोई भी टीचर हो जो उसका आप समझ सकते हो अच्छे से, तो उसी को फॉलो करें मतलब टिल अपनी जर्नी तक। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ बतानी है यूट्यूब, और कुछ बताना। दूसरा मतलब जब पेपर पास आता है तो जैसे मतलब यूट्यूब पे मतलब लोग जहरीले क्वेश्चन परोसने की कोशिश करते हैं, तो कतई जहर के नाम से मतलब। अच्छा। अच्छा। तो उन क्वेश्चन से स्पेशली दूर रहना है सर। ये तो देखो समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब वो क्वेश्चन पता क्या सर, मतलब सच में मतलब इरिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उनका कोई मतलब बनता नहीं सर। ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरा 2020 है मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने लगाए मतलब क्वेश्चंस, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो सिर्फ वो अपने ही मतलब। बट उस टाइम पे तो आप जब कर रहे होंगे तो ट्रस्ट करके कर रहे होंगे। हाँ, ट्रस्ट करके कर रहा था, बट लेकिन उस टाइम पे तो लगता नहीं है ना कि कुछ। लेकिन सच्चाई जब पता, अब मतलब सिलेक्शन हुआ तब पता लगे ना सर सच्चाई, तो मतलब वो सच्चाई एक्चुअली मतलब नीड कुछ और थी, कर कुछ और रहे थे। सिलेक्शन के बाद ही पता चलता है ये सब, मैच्योरिटी सिलेक्शन के बाद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तब समझ में आता है कि कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है, क्या गलती हो गई, कितना लंबा टाइम चला गया। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। ठीक है ठीक है, तो मतलब और कुछ बात आपको रखनी और है? एक बात ये कि अगर फैमिली आपकी कंडीशन कुछ भी हो, अगर आपके अंदर मतलब जज्बा है और आप मेहनती हो और आपके मतलब लाइफ में आगे बढ़ने की अगर आपके मन में जिज्ञासा है, तो फैमिली कंडीशन आपको मतलब बिल्कुल भी मतलब हर्डल नहीं बनेंगी, प्रोवाइडेड आपकी मतलब जो आपका एम है उसके लिए आपको मेहनती होना जरूरी है। तो अपने एम पे फोकस करते हुए मेहनत करते रहें सर, ये मतलब मेरा मैसेज रहेगा सर स्टूडेंट्स के लिए जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं। तो फैमिली कंडीशन की वजह से आपको रुकावट आपकी लाइफ में नहीं आएगी, मतलब मेरा ये मानना है सर अभी, क्योंकि नहीं आपकी जो स्टोरी रही है जिसके अंदर एक्चुअल में क्या है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब से आप जॉब कर रहे हो। बिल्कुल। और उसके अलावा आपको प्रेशर बहुत क्रिएट हुआ आपके ऊपर, इसीलिए शायद आप डिप्रेशन में भी चले गए थे। एग्जैक्टली, मतलब ये प्रेशर तो फैमिली कंडीशन की वजह से था, लेकिन दूसरी जो अच्छी बात मेरे में थी कि मतलब मेरे अंदर करने का मतलब जज्बा था सर। हाँ, वो था सर मतलब। हाँ, क्योंकि ना तो डिप्रेशन में जाने के बाद वहाँ से आपके दोस्त ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें वो इतना सपोर्ट कर रहा है, पैसे से सपोर्ट कर रहा है, टाइम से सपोर्ट कर रहा है, पास बुला लिए, ये सब बहुत ज्यादा सर मेरे को बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बहुत ज्यादा। तो अभी भी ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल। लेकिन कम है बट हैं। हैं बिल्कुल हैं सर, अच्छे लोग दुनिया में मतलब बहुत हैं, मतलब ऐसा मतलब नहीं कह सकते नहीं है आज के टाइम पे। हाँ है। तो और कुछ आप बताना चाह रहे हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो, कोई ऐसी चीज जो आपको शेयर करनी हो, जो आपने सोचा हो कि जब मैं मिलूंगा तब शेयर करूंगा? और ये मतलब जब हम तैयारी
कर रहे होते हैं उस टाइम पे, मतलब देखो तैयारी अपनी जगह है और अपने आप को खुश रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है सर। सही बात है। तो अपनी तैयारी जिंदगी में, जिंदगी भर के लिए, तो तैयारी करते करते मतलब अपना मतलब जैसे जो भी हॉबीज है तो उसको मतलब परस्यू करते रहें, जैसे खेलना हो किसी का, कुछ भी हो सकता है, किताबें पढ़ना, जैसे नॉर्मली सिलेबस से हट के जैसे सेल्फ हेल्प बुक है, जैसे वो मेरी हॉबी है, तो अपना उस टाइप से मतलब अपने थोड़ा सा टाइम इन्जॉय करो अपने तैयारी से हट के, वो भी आपको मतलब एक बूस्ट का काम करेगा सर, मतलब तैयारी में काफ़ी हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो चीज़ इन्होंने बताई है ना, ये पूरा एक मैसेज में था, लेकिन हमने फिर आपको वीडियो के थ्रू माध्यम से बताना चाहा ताकि आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैसेज अगर डालेंगे कितने लोग पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ता, इतने बड़े बड़े मैसेज कोई नहीं पढ़ता, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर की चार पांच लाइनें पढ़ता है। मेरे पास जब आपने भेजा था, मैंने भी शायद तीन चार दिन बाद पढ़ा था, क्योंकि जब दोबारा से आपने मैसेज डाला कि कब आऊँ मिलने, जी जी, तो कब आऊँ मिलने, तब मैंने देखा कि ऊपर क्या लिखा क्या है, क्योंकि बड़ा मैसेज था, तो फिर हमने सोचा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक इंसान जो इतनी मेहनत करके जॉब हासिल कर रहा है तो उसकी लाइफ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब केस स्टडीज़ में शामिल होती हैं, ये सब केस स्टडी आपसे इसलिए शेयर करी जाती है कि अगर कोई इंसान जो देख रहा है वो एकदम से रिलेट करता है कि यार मेरे साथ इस टाइम भी यही हो रहा है, जी जी जी, मेरे फादर भी ऐसे ही और ये मेरे घर में भी यही, तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो उसको ये भी दिखाना है कि देखो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो बंदा 3,000 की नौकरी कर रहा था, एक इंसान 4,000 की नौकरी कर रहा था, वो बंदा अब गवर्नमेंट जॉब पे है, अब वहाँ पे जाना जरूर, एक बारी मिल के आना वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उनको लगेगा अकेला गवर्नमेंट जॉब में और मिनिस्ट्री में हूँ, मिनिस्ट्री में ही मिल गई आपको, जी जी, तो वो ठप्पा लगेगा वो जब उसका वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आई थिंक ये सबको बहुत अच्छा लगेगा और समझेंगे बातों को, और जो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं दिल से शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अभी ये बता रहे थे कि इन चीज़ों से दूर रहना और ये सब चीज़ें, क्योंकि इनको इन्होंने फील किया है, फेस किया है, हाँ मतलब टाइम खराब किया है, मतलब हाँ, तो जब टाइम खराब किया तो इनकी इंटेंशन यही है कि भाई आप ना फंस जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब कोई नहीं है। सिलेबस अगर आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट करो, स्ट्रेटजी में इतना ही बताना चाहूँगा मैं, आप मतलब ये देखिएगा, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हो तो सेल्फ स्टडी से करिए, अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाऊँगा तो आप किसी भी एक टीचर पर भरोसा कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टीचर से बिल्कुल मत पढ़िएगा। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा स्ट्रेटजी में कि आपको एक टीचर को फॉलो करना है, और चाहे बेसिक से आपको पेड कोर्स लेना पड़े किसी टीचर्स का, उसी को फॉलो करना है और ब्लाइंडली फॉलो करना है जब तक आपका एग्जाम ना निकले। आपने भी एक टाइम पे ब्लाइंडली फॉलो किया था? हाँ बिल्कुल, नहीं टीचर मतलब वो तो मैं ये कह रहा हूँ ना सर, एक किसी टीचर को जिसका आप समझ सकते हो उसका, ऐसा नहीं कि मतलब किसी का भी, मतलब पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब समझ गया, क्योंकि पेड कोर्स में मतलब कंटेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है सर, पेड कोर्स में यूट्यूब पे उतना नहीं मिल पाता है, यूट्यूब पे मतलब वो सिर्फ अपना मार्केटिंग पढ़ाते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है पढ़ाते नहीं है, लेकिन स्कैटर्ड तो रहता है, स्ट्रक्चर नहीं मिलता सर, पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं तो रहेगा। अगर किसी ने सीक्वेंस में पढ़ा भी रखे, बहुत सारे लोग जैसे आप कमेंट्स में लिखेंगे और नाम लिखेंगे कह रहे उन्होंने पढ़ा रखा, उन्होंने पढ़ा रखा, तो ठीक है, वेरी गुड, अगर आपको उससे बेनिफिट, फिर भी सर कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं सर, मतलब हर कोई नहीं समझता, हाँ, जब मतलब बीतेगी जब टाइम, जी जी देखो जब तक टाइम, सबसे बड़ी चीज़ आप लोग ये नहीं समझ पाते, टाइम इज़ मनी, आपका अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, एक साल टाइम वेस्ट हो गया, आप उसको 1500, 2000, 3000 से नहीं नाप सकते, चाहे आप कितने ही गरीब हो, चाहे कितने ही गरीब हो, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई इंसान ये वीडियो देख रहा है तो उस पर फोन है, आजकल सब पे फोन है, जी जी जी, इतना गरीब तो कोई भी नहीं है जो देख रहा है, जो सच में बहुत ज्यादा गरीब है ना, तो उसको तो पता ही नहीं है, उसने तो 10वीं नहीं करी, आप 12वीं की बात कर रहे हो, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, तो कम आउट फॉर रियलिटी और बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आई होप कि ये पॉइंट, ये डिस्कशन आपको बहुत पसंद आएगा, और सेशन डिसमिस, धन्यवाद।